हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो आरएस का आज प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है 5 अगस्त 2018 को, उसके बारे में कि उसमें जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर्स क्या क्या रहेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने ये आंसर्स किए हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था 4 + 5 - 2 = 33 और 10 + 12 - 5 = 119। तो 6 + 8 - 3, 6 + 8 - 3 कितना होगा? तो आपको करना क्या है, पहले 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 5 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 का क्यूब करके उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 का हो गया 25 और 2 का क्यूब हो गया 8। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 33 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, उसमें से 5 की क्यूब 125 सब्ट्रैक्ट करो घटाओगे तो 119 आएगा। तो आपका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा 6 की पावर 6 = 36, 8 = 64 - 27। तो आंसर हो जाएगा आपका 73। दूसरा क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से yb / wd / 5। तो ऊपर की अपन देखेंगे तो ऊपर एक चीज़ कॉमन मिल रही है अपन को, वाई आता है 25 नंबर पे, 20 दो पे 27, तो ऊपर वाला योग हो गया 27, जोड़ने पर 27, 23 और 4 = 27, बटे में एस 19 पे आ गया, 4 का डिफरेंस नीचे चल रहा है डब्ल्यू एस ओ और के में, ऊपर 27 का योग चल रहा है। तो अपन आगे चलेंगे तो क्यू और जे अपन को आंसर मिल जाएगा, क्यू और जे यानी 17 और 10 = 27 और अपोन आ जाएगा 7 जी। तीसरा क्वेश्चन, पिक आउट द ऑड वन, इन चारों को आप देखोगे तो एम पी ओ एन एस वी यू टी ए एस ए डी सी बी और वी एक्स वाई वाई डब्ल्यू। तो एम पी ओ एन देखा तो एम 13 नंबर पे, पी 16 पे, ओ 15 पे और एन 14 पे, एस वी यू टी देखा तो एस 19 पे, 19 के बाद आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, 3 का डिफरेंस आ रहा है फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, 19 20, 19 के बाद 22 21 20, इसमें 13 के बाद 16 15 14, इसमें 1 के बाद 4 3 2, लेकिन इसमें देखिए 22 24 25 आ गया, वापस 23 आ गया। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा वी एक्स वाई वी डब्ल्यू। ओके, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, 3 क्रमागत धनात्मक संख्या, तो मैंने मान ली एक्स और एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। अब उनको कह रहा है कि अलग अलग डिवाइड करते हैं प्रत्येक संख्या से, तो उनका जो भागफल है वो 74 आता है। तो मैंने प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर दिया, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर दिया और एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया, अलग अलग भाग डिवाइड करके इन तीनों को जोड़ा तो 74 आना चाहिए। अब एक्स इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, फिर इसमें एक्स प्लस 1 वाला कैंसिल हो गया तो एक्स इंटू एक्स प्लस 2 बच गया, और इसमें एक्स प्लस 2 वाला कैंसिल हो गया तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1। इसको आपने सॉल्व किया, अंडर मल्टीप्लिकेशन किया, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2, फिर ये आ गया एक्स, इसको मल्टीप्लाई किया और इसी तरीके से इसको किया तो इस सबका योग 74। तो इस तरीके से इसको करते गए, द्विघात समीकरण बनी, द्विघात समीकरण को सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू 4 आ गया, एक्स इक्वल टू 4 आने पर एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 1 5 हो गया, एक्स प्लस 2 6 हो गया, तो 4 + 5 + 6 यानी 15 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये दो मिश्र धातु वाले सोने और तांबे वाले के क्वेश्चन को अगर सोल्व करोगे तो इसका आंसर 7:5 आ जाएगा, क्योंकि ये 105 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। इसके बाद में ल्यू नास हसी प्लोय सी इज ब्रिंगिंग कॉफ़ी, वीर सूट ल्यू प्लोय ही इज ब्रिंगिंग टी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नास मतलब हो जाएगा कॉफ़ी, सूट मतलब टी, ल्यू मतलब इज, प्लोय मतलब ब्रिंगिंग, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा वीर WIRE। एक क्वेश्चन आया था श्रीमान ए और बी से मिलते हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा पोतर, क्योंकि ई इसकी पुत्र वधु होगी तो ये इसका पोता हो गया, बी का पोता हो गया। छोटे शहर की जनसंख्या वाले क्वेश्चन को देखते ही पता चलना चाहिए कि 84,000 ही बढ़कर कितना हो सकता है 92,000, तो आंसर हो जाएगा 84,000।
10% वार्षिक दर वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 43450। एक आंसर आपका बस हो जाएगा जो डाटा इंटरप्रिटेशन का था, सारणी वाला क्वेश्चन था, किस वर्ष में सबसे कम वृद्धि हुई है, उसमें बस आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 43.36। दो क्वेश्चन थे डाटा इंटरप्रिटेशन के। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि यातायात व शिक्षा का जो खर्च वाला क्वेश्चन था, 13,200 का पहले 45% खर्च होता था, फिर अगले साल जून जुलाई में 50% होने लगे, 8,250। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2290 की बढ़ोतरी हो गई। 2290 की बढ़ोतरी की किस पे हुई? 5960 पे। यानी इसका जब आंसर निकालोगे तो लगभग 38.4 के आसपास या 35.5 आंसर आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 39%। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।